अब समय आज हम लोग विधानसभा घेराव के हम लोग चार मुद्दा लेके पहला 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति करना होगा और करना होगा झारखंड सरकार को। दूसरा मुद्दा है वाइकलों की 2 लाख वैकेंसी हमारी पड़ी हुई है, वो ओनली फॉर एसटी। उस वैकेंसी को झारखंड सरकार जल्द से जल्द प्रक्रिया में लाए और बहाली का प्रारंभ शुरू करें। तीसरा मुद्दा है आदिवासियों का धार्मिक जमीन को दलाल प्रशासनिक पदाधिकारी ब्यूरोक्रेसी मिलकर जो लूटा जा रहा है उसको भी सुरक्षा करना है। चौथा मुद्दा आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र में धर्म कलम का प्रावधान और सरकारी सभी दस्तावेज में धर्म कलम का प्रावधान करने का हम लोग प्रचार के लिए हम आज विधानसभा मार्च किए हैं और इसी का मांग करते हैं झारखंड सरकार के, इसको यथाशीघ्र कर। हम 2000 से इसका मांग कर रहे हैं, सरना कोट खतियान नदियों का पहचान। इसी के साथ हम लोग आज मेमोरेंडम भी किया और अगला प्रोग्राम हम लोग बहुत जल्द इसके लिए घोषणा करेंगे और मीडिया के माध्यम से सरकार को और आम जन को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे अगला प्रोग्राम। सुशील उराम, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ। जैसे हम लोग 1932 खतियान का मांग लेके आए थे और जितना भी हम लोग का अधिकार बनता है झारखंड बनने के बाद हम लोग का जो कमी है वो कमी हो जा रहा है और नहीं मिलने के कारण हम लोग को जितना भी माते बहने अपना पीठ में बच्चा बांध के अपना हक अपना अधिकार को लेने के लिए रोड में उतरे हैं। अगर हम ही मीडिया भाई बहनों से हम लोग कहते हैं कि बात को सरकार तक पहुँचाए और हम लोग को जो मांग है उसको पूरी करने का कोशिश करें। मेरा नाम रेणु तिर्की, राष्ट्रीय ग्राम पंचायत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।